नमस्कार मैक्रो चैनल पर टेक क्लब सभी लोगों के साथ है। आप लोग बिल्कुल नहीं गिर के चलो आज का टॉपिक को शुरू करते हैं। तो अभी के टाइम पे 2023 में आके हम लोग नया मोबाइल खरीदते हैं तो उसमें ईयरफोन नहीं मिलता है, तो सबसे पहले हमारे मन में सवाल आता है फोन खरीदने के बाद कि हम लोग मोबाइल तो खरीद लिया, उसके बाद क्या खरीदे, हेडसेट या ईयरबड्स या नेक बैंड या वायर हेडफोन। तो आज हम लोग इस वीडियो में पूरा एक्सप्लेन करेंगे नेक बैंड, ईयरबड्स, हेडसेट सब कुछ के बारे में। हम लोग पूरा डिटेल्स में हम लोग बात करेंगे जो ईयरबड्स है और हेडसेट है वो कौन कौन से टाइम पे मतलब कि यूज नहीं कर सकते, उसका फायदा ही नहीं है उस टाइम पे, तो सब कुछ हम लोग को डिटेल्स में बताता हूँ। वायर्ड हेडफोन की प्राइस के बारे में बात करेंगे तो आप लोगों को इधर देखने के लिए मिल जाएगा, आप लोगों को 160 से आप लोगों को स्टार्टिंग प्राइस इंडियन करेंसी में मिल जाएगा आप लोगों को देखने के लिए। और तो और आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा एकदम हाईएस्ट प्राइस जो होता है 120 लाख ऐसा कुछ या 59,000 ऐसा करके आप लोगों को जो इसका प्राइसिंग है ये आप लोगों को देखने के लिए मिल जाता है। किसी भी आप ऑनलाइन साइट वगैरह में चले जाओ उधर आप लोगों को ये प्राइस आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। तो हम लोग बात करेंगे हेडसेट के बारे में, तो हेडसेट का प्राइस रहता है आप लोगों को 500 या एकदम अच्छे क्वालिटी का 500 से लेके आप लोगों को मिल जाएगा 500 से लेके 30,000-40,000 ऐसा करके आप लोगों को जो हेडसेट का प्राइस है वो आप लोगों को मिल जाएगा एडेड गेमिंग। तो प्राइस की बात करेंगे हम लोग नेक बैंड का, तो नेक बैंड का आप लोगों को स्टार्टिंग प्राइस 500 से लेके आप लोगों को जो एंडिंग प्राइस है वो आप लोगों को 20,000 या 30,000 तक ऐसा मिल जाएगा आप लोगों को। बहुत अच्छे अच्छे कंपनी का आप लोगों को ईयरबड मतलब कि नेक बैंड हम लोगों को देखने के लिए इधर मिल जाता है। किसी भी आप ऑनलाइन साइट में चले जाओ उधर आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा, जो शॉपिंग साइट वगैरह होता है उधर आप लोगों को ऑलरेडी देखने के लिए मिल जाएगा। तो हम लोग बात करें ईयरबड्स के प्राइस के बारे में, तो ईयरबड्स की स्टार्टिंग प्राइस आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा 400 से लेके आप लोगों को 20,000-30,000 या 40,000 तक आप लोगों को मिल जाएगा ईयरबड्स। एप्पल वगैरह का बहुत सारे कंपनियों का आप लोगों को मिल जाएगा, बोट बोल्ट बहुत सारी कंपनियों का आप लोगों को ईयरबड्स देखने के लिए मिल जाएगा बहुत अच्छा अच्छा क्वालिटी का। तो ईयरबड्स जो होते हैं, जो बाइकर होते हैं, ईयरबड्स उन लोगों के लिए सबसे पहले मैं कहूंगा ईयरबड्स उन लोगों के लिए सबसे फायदा है, क्योंकि जो ईयरबड्स है, जो वायरलेस ईयरबड है वो आप लोग आपके जो ईयर में यूज करते हो तो उसमें बहुत ज्यादा फायदा रहता है, ठीक है। उसमें आप लोग को कनेक्ट होना बहुत ज्यादा जल्दी से कनेक्ट होता है और आप लोग को ईयर वगैरह बिल्कुल भी नहीं रहता है। लेकिन आप लोग अगर हेलमेट पहनते हो ना, हेलमेट पहनने के टाइम पे ठीक है, लेकिन हेलमेट खोलने के बाद, तो हेलमेट मान लो आप हेलमेट नहीं चला रहे हो, जो बाइकर है वो हेलमेट बिल्कुल भी मतलब नहीं ले रहा है, उस टाइम पे आप लोग जो ईयरबड्स है वो यूज करोगे तो क्या होता है, बाइक जो थोड़ा सा रेसिंग पे चलाता है मतलब कि स्पीड थोड़ा ज्यादा हो जाता है तो उसमें क्या होता है, वो लोगों उसको गिर गया तो किधर ढूंढोगे भाई, ये प्रॉब्लम तो आ जाता है। उसमें क्या करोगे, उसमें आप लोगों नेक बैंड मतलब कि नेक बैंड उसमें पहनना बहुत ईजी रहेगा, आप लोगों को नेक बैंड पहन लोगे तो क्या होगा, अगर खोल भी जाएगा तो गले पे ही रह जाएगा, किधर जाएगा, तो ये होता है जो उसका गया नेक बैंड का। उसके बाद हम लोग आते हैं सोने के टाइम पे, तो हर एक लोगों का मतलब कि बहुत टाइम पे जो ईयरफोन मतलब कि सोने के टाइम पे क्या होता है, गाना सुनने का बहुत ज्यादा मन करता है, लेकिन आप लोग उधर ईयरबड्स यूज कर सकते हो और नेक बैंड भी यूज कर सकते हो, वो ज्यादा फायदेमंद नहीं है। लेकिन आप लोग उधर वायर्ड हेडफोन रखते हो तो देख सकते हो भाई मेरा तो साथ साथ हेडफोन चला गया वायर्ड हेडफोन, मतलब कि जब इसे मैंने फोन खरीदा उसका क्या होता है, उसका जो मोबाइल के कनेक्टिविटी है उस जब जिधर से कनेक्ट होता है उधर से कट हो जाता था मेरा, जितना मैंने 500-700 का भी खरीद लिया सबका कट हो गया, किसी का भी नहीं टिका मेरा, तो ये मेरा टिक गया हुआ है ईयरबड। ईयरबड आप जितना भी कर लो सो गए उसके ऊपर कुछ नहीं होगा। तो बात करें हम लोग वॉकिंग टाइम, तो वॉकिंग टाइम पे आप लोग ये अगर वायर्ड हेडफोन यूज करते हो तो वो आप लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम और इशू क्रिएट कर देगा, क्योंकि वो आप लोग मान लो आपका फोन आपके पॉकेट में है तो उधर से वायर्ड हेडफोन आपके ईयर में चला जाएगा, तो आप लोगों को वॉकिंग टाइम पे थोड़ा प्रॉब्लम होगा, या पॉकेट में आपका फोन है उधर भी आप लोगों को प्रॉब्लम होगा, पॉकेट से वगैरह आएगा और उसके बाद आपके ईयर में आएगा। उधर आप लोग यूज करोगे नेक बैंड या हेडसेट तो बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों को, उधर आप लोग को वॉकिंग टाइम पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, हेडसेट बहुत अच्छा रहेगा वॉकिंग टाइम पे। तो आप लोग बहुत सारे लोग जो गेमिंग वगैरह करते हैं वो लोग पूछेंगे कि भाई गेमिंग के टाइम पे कौन सा यूज करना बेटर रहेगा, तो मैं भी थोड़ा बहुत गेम वगैरह खेल लेता हूँ, ठीक है, तो इसमें मुझे लगता है
तो आप लोगों को जो भी खरीदना चाहिए ब्लूटूथ की कोई भी चीज खरीदना नहीं चाहिए, गेमिंग पे यूज करना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं प्रॉब्लम भी बताता हूँ क्यों क्यों। आप लोग मान लो बीजीएमआई वगैरह खेलते हो, ठीक है, बीजीएमआई में आप लोगों को क्या प्रॉब्लम रहता है, उसमें एनिमी का जो फुटप्रिंट वगैरह है वो थोड़ा सा लेट में आप लोगों को ब्लूटूथ वाले जो डिवाइस है उसमें सुनाई देगा, या आप लोग वायर्ड जो है, आप लोग मान लो वायर्ड हेडफोन या वायर्ड हेडसेट, उसमें आप लोगों को जल्दी जो मतलब की गेम का जो साउंड है वो जल्दी आप लोगों को आता है, ब्लूटूथ में थोड़ा सा लेट आता है, ठीक है, इसलिए आप लोगों को गेम में थोड़ा सा इशू रहेगा ब्लूटूथ वाला कोई भी डिवाइस यूज करोगे तो। इस तरीके के मोर इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए बुद्ध चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, और बड़े वो आगे बढ़ो तो दोस्त है उन लोगों को पता चले। तो इस वीडियो में अब तक मिलते हैं किसी बहुत इंटरेस्टिंग और जबरदस्त वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड सी यू अगेन।